भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा हैदराबाद टेस्ट मैच अब टीम इंडिया की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। जब बता दें आपको कि वेस्ट इंडीज के 311 रनों के जवाब में टीम इंडिया ने पहली पारी में 367 रन बनाए, जहां पर ऋषभ पंत टीम के टॉप स्कोरर रहे। वहीं दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज को झटके दो लगे। जी आपको बता दें कि 10 रन के अंदर वेस्ट इंडीज के दो विकेट टीम इंडिया ने गिरा दिए, जहां पर उमेश यादव ने ब्राथवेट का विकेट झटका और उसके बाद दूसरा विकेट रविचंद्रन अश्विन ने लिया और वेस्ट इंडीज की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। फिलहाल वेस्ट इंडीज की टीम झटकों से उबरने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस में देखने को मिलता है कि अगर चौथी पारी में 100 से 150 की अगर आप लीड लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर वेस्ट इंडीज को कम से कम 200 रन चाहिए होंगे लीड बनाकर, ताकि वो टीम इंडिया को चैलेंज कर सके भारत में ही। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया यहां से कितना जल्दी वेस्ट इंडीज को ऑल आउट करती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की।